और दोस्तों, अभी मैं हूँ गोचर और कर्णप्रयाग के बीच में। तो कर्णप्रयाग यहाँ से 1 किलोमीटर, और ये देखिए जो ये पुल है वो बन ही रहा था चार धाम टाइम के पे, और अभी भी बन ही रहा है लगातार। और ये देखिए यहाँ पर सर्दियों में बिल्कुल ये इस साइड रोड जो है वो बिल्कुल भी सूखी नहीं है। और देखिए ऐसी उबड़ खाबड़ हो रखी है भाई, ये रोड बिल्कुल सुधारेंगे नहीं, क्योंकि इस रोड पर खर्चा नहीं करेंगे, सीधे वही पुल जोड़ेंगे इस पे यहाँ पे। और यहाँ पे अभी भी देखिए चार धाम ऑल वेदर रोड कटिंग चली रही है। मतलब कहीं कहीं पे ऐसे है कि मतलब कटिंग ही नहीं हुई है अभी, मतलब 70% जो चार धाम ऑल वेदर रोड कटिंग हुई है ना, तो वही हो रखा है। 30% अभी भी मतलब बाकी है ऑल वेदर रोड की कटिंग वगैरह करना। और देखिए यहाँ पे अब यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट उस साइड को, तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ये कटिंग कर रखी है, और ये कटिंग होगी पूरी उस साइड तक। देखिए यहाँ पे जाम वगैरह लगता रहता है बरसात के टाइम पे, यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा जाम लगा था करीबन 4-5 घंटे का, क्योंकि वहाँ पे नाला है पानी आता रहता है। और ये देखिए हम एंट्री कर रहे हैं कर्णप्रयाग में। तो अभी गाइस मैं आपको ले चलूँगा ऑल वेदर रोड कंट्रैक्ट से लेकर लंगासू के बीच में, और यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितना प्रोसेस हुआ है और कितना कार्य बाकी पेंडिंग है और कितना चल ही रहा है। तो भाई कंट्रैक्ट में अभी काम बहुत पेंडिंग है, यहाँ अभी कार्य ना के बराबर हुआ है कंट्रैक्ट में। तो ये देखिए ये वाला एरिया पूरा अभी कटिंग करना बाकी है, और देखिए कटिंग वगैरह है नहीं तो सामने हमेशा जाम लगता है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल ही बारीक रोड है, मतलब एक गाड़ी पास नहीं हो सकती है, जिस वजह से एक लाइन की रोड है, ये टू लाइन रोड अभी बनी नहीं है। ये देखिए पूरे आपको नज़र आ रहा होगा, एक लाइन की रोड है। ओ भाई, और सबकी नज़र हमारे सिर पे है क्योंकि कैमरा लगाया हुआ है सिर पे। तो ये देखिए भाई यहाँ कार्य बिल्कुल अभी मतलब पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, और भाई ऊपर क्या चल रहा है यहाँ भीड़। ये देखिए इस प्रकार से गड्ढे हो रखे हैं, और बरसात के टाइम पे यहाँ पे पूरा नीचे धस गया थी ये वाली ज़मीन, तो यहाँ पे लोड गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियाँ कह सकते हैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी। और देखिए अभी ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं रोड पे इस प्रकार के, इस कैमरे में तो बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे क्योंकि भाई वाइड एंगल बहुत ही ज़्यादा है इसका। और देखिए फिर लग चुका है जाम, आपको बताता चलूँ कि कहाँ तक कटिंग हो रखी है। और भाई इस आगे वाले के टायर पे हवा बहुत कम है, बताना तो चाह रहा था मैं लेकिन निकल गया आगे। तो यहाँ तक कंट्रैक्ट में कटिंग हो रखी है, इससे नीचे बिल्कुल भी कटिंग नहीं हो रखी है। ये देखिए यहाँ तक हो रखी है, यहाँ से टू लाइन रोड स्टार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पर कटिंग हो रखी है, अभी बाकी है। और सर्दियों का टाइम जैसे आपको पता ही है, और भाई फिर गड्ढे। आजकल भाई सर्दियों में तो भाई क्या बताएं, धूल मिट्टी इतनी उठती रहती है। ये देखिए नीचे साइड से भी पूरी कटिंग हो चुकी है, जो मकाने रोड के दायरे में आ रही थी उन्हें। ये देखिए भाई यहाँ भी ये गाड़ी हो चुकी है ख़राब इस चढ़ाई पे, इस साइड देखिएगा इस साइड भी बिल्कुल मतलब कटिंग ही नहीं हो रही है, यहाँ भी कटिंग करनी बाकी है।
ये देखिए यहाँ अभी मतलब बिल्कुल भी कटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ भी कटिंग होगी और पता नहीं कब होगी, ये तो हमें भी नहीं पता। इन जगहों भी बरसात के टाइम पे पूरा मलबा नीचे गिर रखा था रोड में, और ये देखिए बिल्कुल भी कटिंग नहीं है अभी हाईवे पे। ये देखिए जगह जगह पे मतलब एक गाड़ी पास होने की जगह नहीं है ठीक से, इस प्रकार का जाम लगता है। और यात्रा सीजन में तो भाई यहाँ इस वाले एरिया में करीबन दो दो तीन तीन घंटे का जाम तो हमेशा रहा है। तो गैस ये देखिए ये वाली जो एरिया है यहाँ पे मतलब मलबा आता रहता, और यहाँ पे भाई जो इन्होंने पेंडिंग कर रखी थी वो पूरी उखड़ चुकी है, और यहाँ भाई दोबारा पेंडिंग करनी बाकी है और आगे चल रहा है भाई लगातार कार्य प्रोग्रेस, लगातार कार्य चल रहा है आगे। और ये वाला एरिया भाई थोड़ा डेंजर जोन में आ जाता है, और ये देखिए इन्होंने पूरा डंपिंग का जो मलबा है वो यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। और ये देखिए भाई यहाँ चल रहा है कार्य अभी भी, लगातार ट्रकें वगैरह खड़ी है, और ये देखिए पहले कितनी पतली रोड थी यहाँ पे, तो अब इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया है। और नीचे साइड आपने देखा होगा तो कार्य चल रहा है, और यहाँ पे पहले मतलब एक ही गाड़ी पास होती थी, और ये देखिए ये वाला एरिया इन्होंने हाल ही में कटिंग की है इस एरिया की, जो ये वाला एरिया है। तो अब देखिए गाड़ियाँ कैसी दौड़ रही है यहाँ पर, और धूल मिट्टी तो भाई होती रहती है। तो ये देखिए ये आ गई फिर टू लाइन की रोड, अभी तक मतलब कहीं कहीं पे सिंगल लाइन की रोड थी, कहीं कहीं पे टू लाइन की रोड थी, और ये पूरी टू लाइन की रोड यहाँ से स्टार्ट। और आजकल सर्दियों में अगर सुबह सुबह चलना है तो रोड में पाला वगैरह गिरा रहता है, तो बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। मतलब अगर हमारे पास बाइक है तो हम झुका नहीं सकते, और अगर कार वगैरह भी है फोर पहिया गाड़ी भी है तो उसे भी हमें बहुत संभल के चलाना पड़ता है, क्योंकि स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ, और या तो नीचे खाई में गिरने का डर रहता है या फिर ऊपर टकरने का डर रहता है। ऊपर टकरे कोई बात नहीं, पर नीचे खाई में ना जाए। तो अभी तो भाई पाला वगैरह है नहीं, क्योंकि दोपहर के 3 बजने वाली है और अभी सूख चुका है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है। और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पे लगातार कटिंग वगैरह चली रही है, ये देखिए ये वाला एरिया भी इन्होंने पूरा मलबा आया था ऊपर से तो कटिंग करके मतलब, और जो मलबा आया था वो भी हटा दिया, और यहाँ पे देखिए ये कार्य लगातार चला हुआ है। ये देखिए ये वाला एरिया भी इन्होंने पूरी कटिंग कर दिया, और यहाँ पेंडिंग नहीं थी पहले तो पेंडिंग भी कर दिया। ये देखिए और देखिए ये वाला पानी देखिए पूरे रोड में मतलब ऐसा जमा हुआ है कि गाड़ी स्लिप हो जाए, और सूखता भी नहीं है क्योंकि धूप पड़ती ही नहीं है तो सूखेगा कहाँ से इस वजह से। और यहाँ पे भी कार्य चल रहा है। तो अब पहुँच चुके हम कालेश्वर में, तो ये पूरा उमट्टा से लेकर कालेश्वर के बीच में यहाँ तक उमट्टा आता है, और इसके बाद कालेश्वर स्टार्ट यहाँ से हुआ, जो ये मंदिर हुआ यहाँ से कालेश्वर स्टार्ट हुआ। पहले वो मसलवा पड़ रहा यहाँ भी मतलब ओवर खाबड़ी हो रही है रोड, यहाँ पे भी कार्य बाकी है, और इसके बाद फिर देखिए दो लाइन की रोड सही आ जाती है। और आजकल जहाँ पे अगर पानी गिरा होगा तो भाई सूखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और बड़ी मुश्किल से सुबह से लेकर अभी शाम का टाइम होने बैठ गया तो अब जाके इस रोड पर धूप आई है, नहीं तो भाई सुबह से लेकर 12-2 बजे तक यहाँ मतलब इस रोड पर धूप आना मुश्किल ही हो जाता है, उस साइड ही रहती है धूप, तो बाइक वालों को थोड़ा मुश्किलें हो जाती है जब रोड पर धूप नहीं रहती है। और देखिए यहाँ पे जो ये एरिया है तो ये एरिया बाकी बचा हुआ है, देखिए कितनी छोटी सी रोड है यहाँ पे, एक लाइन की रोड यहाँ से और यहाँ तक इस एरिया तक कटिंग करनी बाकी है, बाकी यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है टू लाइन की रोड। ये देखिए ऊपर साइड तो ये पूरी कटिंग करना बाकी है, आधा करके छोड़ दिया उन्होंने, तो ये देखिए यहाँ से फिर टू लाइन की रोड हो जाती है स्टार्ट। तो गैस
करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। और कैसी लगी आपको मेरी ये वाली चार धाम ऑल वेदर रोड वाली वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मैं दिखा रहा हूँ आपको सर्दियों के टाइम पे, यात्रा के टाइम पे नहीं, सर्दियों के टाइम पे कुछ इस प्रकार से रहती है। और भाई ठंडी हवाएं ऐसी चलती है ना कि सारा हवाएं लीक हो जाती है, और चाहे कितने भी कपड़े पहन ले भाई ठंड का असर जाता ही नहीं है बाइक से दूर, खास करके सुबह के टाइम पे। और